ये जेन एस्टिलो है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें से इंजन और गियरबॉक्स निकाल चुके हैं हम लोग। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो थी कि इसकी कनेक्टिंग की साउंड आ रही थी, कट 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 की साउंड आ रही थी, और एक्चुअली मैं पता नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे पहली जो है वो हमने चेंबर खोल के इसकी बिगिन चेक की, और बिगिन चेक करने के बाद हमें पता चला कि इसकी बिगिन ख़त्म हो चुकी है। फिर जो है उसके बाद हमने इंजन उतारने का फ़ैसला किया, और जब हमने इंजन उतारा तो इसमें हमें बहुत ही शॉकिंग चीज़ पता चली कि इसकी जो कनेक्टिंग है वो ख़राब हो चुकी थी। जैसा कि आप इसका हेड देख सकते हो, ये कनेक्टिंग आप देख सकते हो, ये बेंड है, ठीक है, और इसी तरह जो है लगभग तीनों जो कनेक्टिंग है वो बेंड है, और ये एक जो आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा बेंड है, और ये होती है ओवरहीटिंग के कारण। अगर आप ओवरहीटिंग के गाड़ी कर देते हो और करने के बाद गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाते हो तो यही प्रॉब्लम आती है गाड़ी के साथ। और इसकी अगर आप क्रैंक देखें तो क्रैंक भी थोड़ी सी कट गई है, वो पॉलिश होने के बाद काम चल जाएगा और ये फ्रीली घूम रहा है। लेकिन क्योंकि इसका अब कह सकते हैं इसका ऑयल पंप हम चेंज करेंगे और ये इंजन जो है अब ख़राब पड़ जाएगा। तो इसके बारे में जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा।